और अब बात सैलाब के बंधक बने उन लाखों लोगों की जो चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। सैकड़ों गांव और दर्जनों शहर इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन कहीं राहत के नाम पर 5 किलोग्राम के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं तो कहीं आश्वासन के घूंट लोगों को पिलाए जा रहे हैं। देखिए आंखें खोलने वाली ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफन रही हैं। ये तटों की सीमाएं लांग मैदानी इलाकों पर सैलाबी सितम ढा रही हैं। कुदरत के क्रोध ने देश के कई हिस्सों में लोगों को डरा रखा है। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद बेबस और मजबूर लोग त्राहिमाम कर रहे। अरे बाबू परेशानी तो बहुत है, खाना पीना के जोन है सूखा रूखा तो बनावा खावा जाता है, अब है तो खावा जाए, नहीं है तो भूखन रह जाए। ना धारा बाता है, तनिक भर जो दिया हिल गया वो पैर उठ गया तो जानो चले गए हम, तो से लेने अपना नून रोटी खाए गुजारा कर लेते हैं। हमारे पतोहिया या भैया खैका बनावा जाता रही, देखी सी सपावाया बहन हुआ अगिया बारे रही तो ऐसे निकल है वही लड़के बच्चे इतना पानी हल हल आवा जाता है जनवा बची हमन का। यूपी के कई जिले में बाढ़ पीड़ितों की हालत ऐसी है कि ओढ़ें क्या और बिछाएं क्या, पास में कुछ नहीं बचा। सिद्धार्थनगर में करीब 400 गांव प्रभावित हैं। यहां के खैरी शीतल प्रसाद गांव का ये हाल देखिए, ये टापू में तब्दील हो चुका है, श्मशान तक पानी में डूब चुका है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती के उफान ने पूरे इलाके को पानी पानी कर रखा है। 10 दिन हो गए लेकिन यहाँ बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। लोग छतों पर ठिकाना बनाने को मजबूर हैं। तकरीबन 400 गांव जो हैं वो सिद्धार्थनगर जिले के कुछ इसी तरह से राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी के चपेट में हैं और लोगों को आशियाना अपना छतों के ऊपर बनाना पड़ रहा है। मकान अब डूब गए? हाँ, छपरा हुआ तो कुल पानी चढ़ गवा, तब भाग के आना वही मैं 10 परिवार हाँ कहूँ ना सूतक जगह ना बैठक जगह। राशन पानी कुछ पहुँचा यहाँ पे? कुछ नहीं पहुँचा सर, यहाँ लगा कुछ भी नहीं मिला सर हमको। सरकार की ओर से कुछ मदद कुछ सहायता पहुँची? कुछ नहीं अभी, लड़के तब बच्चे नहीं कुछ पाए नहीं। अब उन्नाव के हालात देखिए, गंगा का पानी यहाँ के एक बड़े इलाके को टापू में बदल चुका। यहाँ एसडीएम राहत सामग्री लेकर पहुँचे थे, एक पॉलिथीन के पैकेट में बमुश्किल 3 से 4 किलोग्राम की राहत सामग्री। साहब ने मदद दी तो मजबूर बाढ़ पीड़ितों ने ले ली, लेकिन जरा देखिए इतने भर की राहत इस आफत में बाढ़ पीड़ितों के पूरे परिवार को कैसे उबार पाएगी। बाढ़ ने लोगों को जल बंधक बना रखा है। संकट कब खत्म होगा कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतनी भर राहत सामग्री एक परिवार में कब तक चलेगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब सीतापुर में गोमती का ये उफान देखिए, इसने तीर्थ स्थल नैमिषारण्य के घाटों को डुबो दिया है। दशाश्वमेध घाट डूबा, राजघाट की बेदिया भी अब सीतापुर में डूबने के कगार पर है। गोमती नदी का आप देख रहे हैं जलस्तर जो है बढ़ता जा रहा है और ये राजघाट है जहां पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट अब वो डूबने लगा है। बनारस में पतित पावनी गंगा रौद्र रूप में है, घाटों की कई सीढ़ियां डूब चुकी, पानी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा, जलस्तर हर घंटे कई सेंटीमीटर तक बढ़ जा रहा है। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, काफी नजदीकी गहरा पानी है। पर्यटकों को लगातार अलर्ट किया जा रहा, गहरे पानी से दूर रहने की हिदायत है। छोटी नाव पर रोक लगाई जा चुकी है, हर पर्यटक को जीवन रक्षक जैकेट के साथ ही नाव में बैठने की सलाह दी गई है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है। वाराणसी और आसपास के जनपद में जो प्रमुख नदियां हैं उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी की बात कर लें तो तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। उधर 80 की बात कर लें, तुलसी घाट की बात, तो वहां का संपर्क जो है वो अब टूट सा गया है। इसके अलावा जो प्राचीन गंगा आरती जहां पर की जाती है वहां पर भी पानी अब पहुंच चुका है। खंडवा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं।
शहर के तीन पुलिया में पानी भर गया। यहाँ 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते नजर आए। केरल के एर्नाकुलम का भी हाल अलग नहीं, जहाँ मंदिर के परिसर में पानी भर गया और लोगों को इसके बीच से होकर जाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।